इसमें क्या करना है अपने को, गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पहला सवाल है -13, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करेंगे, इसका उल्टा लिखेंगे, जो चिन्ह है उसके साथ उसको 1/1 में कर देंगे। जैसे -13 है तो इसको लिख देंगे अपन -1/13। सेकंड है -13/19 है तो इसको क्या करेंगे अपन, -19/13, यानी कि इसको पूरा उलट देना है। ठीक है, पूरा उलट देना है। अगला है 1/5, इसको क्या करेंगे, 5/1, इसका मतलब यही होता है कि ये 5 है। बढ़ते हैं आगे और चौथा सवाल करते हैं। चौथे सवाल में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और जैसा मैं लिख रहा हूँ आपके सामने कि -5/8 इंटू -3/7, पहले क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्या आएगा, 5 × 3 = 15 आएगा। लेकिन माइनस और माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा प्लस, तो लिखेंगे नहीं अपन। और 7 और 8 को करेंगे तो आएगा 56। अब आपके सामने ये संख्या आ गई, इसको अपन प्रतिलोम करेंगे, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 56/15। बस काफ़ी सिंपल है। अब पांचवा सवाल करते हैं। पांचों में दे रखा है अपने को -1 × -2/5। ठीक है, अब इसको सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं। इसको इससे जो जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ठीक है, इसको इससे गुणा कर लेंगे, क्या आएगा, 2 आएगा, और माइनस का गुणा हो गया प्लस, और नीचे आएगा 5। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5/2 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला सवाल, और ये है छठा सवाल, लास्ट है इसका, -1। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका उल्टा, 1/-1। तो ये था आपका चौथा सवाल।